पिंडिक का जो मतलब होता है, पिंडिक आपने सुना होगा, पिंड दान या पिंड छूटना या ये तो इससे हमारा पिंड छूट गया अच्छा हुआ। पुराने समय में जो पिंड है, पिंड को बोलते हैं, खाने को अगर इकट्ठा करके और उसका एक गोला सा बना दिया जाए या इकट्ठा किया जाए तो उसको पिंड बोलते हैं। यहाँ जो पिंडिक है शब्द, पिंडिक का मतलब है जो भिक्षा में जो खाना मिलता है उसको पिंडिक बोलते हैं। और ए नाथ यानी जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसका कोई वारिस पेरेंट ना हो, पिता ना हो, गार्जियन ना हो, वालिद ना हो जिसके, उसको बोलते हैं ए नाथ, यानी इसका कोई स्वामी नहीं है, इसका कोई ऊपर सरप्रस्त नहीं है। तो ए नाथ पिंडिक ये एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो गाथा नंबर 18 में आता है। एनाथ पिंडिक एक नाम नहीं है बेसिकली, मगर ये नाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनाथ पिंडिक का मतलब है कि जिसका कोई ना हो उसको भोजन देने वाला व्यक्ति। ये नाम पड़ा सुदत्त का। सुदत्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं पूरे साहित्य में, और वो बड़े धन कुबेर, बड़े श्रेष्ठी सेठी बुला करते थे बेसिकली पाली के अंदर। पाली के अंदर जो आज के सेठ हैं और जो सेठी हैं, वो सेठ जो शब्द है वो पाली का है। पाली में उस समय बहुत सारे सेठी थे, बाद में संस्कृत भाषा के अंदर इसको श्रेष्ठी बोला गया। तो ये जो सेठी है, ये अनाथ पिंडक यानी जिनका नाम सुदत्त है, सुदत्त की बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई भगवान बुद्ध में, और उन्होंने उनको जैतवराम बुद्ध बिहार यानी जो बिहार था वो उनको दान में दिया। एक लंबी कहानी है, जब सुदत्त की कहानी आएगी, अनाथ पिंडक की आएगी, तो मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा। यहाँ धम्मपद के अंदर उनकी एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है सुमना। सुमना जो उनकी बेटी है वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बड़ी संस्कार वाली है, कोई कमी तो उसके अंदर है नहीं क्योंकि धन धान्य बहुत है, मगर वो संस्कारी बहुत ज़्यादा है। और भगवान बुद्ध में जो विश्वास है और जो धम्म में उसका यकीन है और जो धम्म को वो मानती है और उसकी प्रैक्टिस करती है, वो अनाथ पिंडक से भी ज़्यादा करती है। यानी अनाथ पिंडक तो दोनों हाथों से खुल के सबको खाना खिलाते हैं, दान दे देते हैं, वो तो दान का पुण्य ज़्यादा लेते हैं, मगर ये इतनी धर्माचारी है कि सुमना ने सभी बातें जो धम्म में कही गई वो सारी मानी और सबकी प्रैक्टिस की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अचानक सुमना बीमार पड़ जाती है। सुमना बीमार पड़ी तो अनाथ पिंडक की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसकी अकेली पुत्री है और पुत्री का उसको बहुत ज़्यादा मोह है। पुत्री बीमार होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धम्म का पालन करती थी, उसे पता चला कि अब उसके पास मरणांतक वेदनाएं आनी शुरू हो गई हैं, यानी वो वेदनाएं खुल चुकी हैं जिससे कि आदमी को मरने का एहसास हो जाता है, या पता चल जाता है कि ये वेदनाएं अब रुकेंगी नहीं, संवेदनाएं अब ये शरीर में आ चुकी हैं, ये बढ़ रही हैं और ये इस शरीर को अब समाप्त करेंगी, बंद करने वाली हैं शरीर को। जब ऐसा होने लगी तो उसने अनाथ पिंडक को यानी सुदत्त को बुलाया, और एक बहुत कमाल की बात वहाँ हुई कि उसने उसका हाथ पकड़ के कहा, भैया। वो अपने पिता को भैया कह के संबोधित कर रही है, और उसने कहा भैया, और फिर उसको धम्म देशना दी, बहुत प्यार से बोली, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनाथ पिंडक का जो दिल था वो बहुत रोया, मगर एक आश्चर्य भी साथ उसे हुआ कि इसने मुझे भैया कहा, देशना दी, ये क्या बात हुई, मरते मरते उसने मुझे भाई क्यों कहा, पिता क्यों नहीं कहा। इस प्रश्न को लेके वो भगवान बुद्ध, भंगवान बुद्ध या भगवा या भंगी, जो भी आप कहें, भगवान क्या कह सकते हैं, भगवान, भगवा, बहुत सारे नाम उनके हैं, उनके पास वो गए। वहाँ जाके उन्होंने जो अपना प्रश्न था वो रखा, और उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा ऐसा सुमना ने मुझको लास्ट के समय भाई कह के और ये बात कही। तब भगवान बुद्ध ने गाथा कही और उसमें बताया कि सुमना बहुत ज़्यादा धम्म में जा चुकी थी, उसके राग और द्वेष और मोह मूर्ता खत्म हो चुकी थी, क्षीण हो चुकी थी, पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई, क्षीण हो चुकी थी, और वो धम्म की प्रगति के सेकंड स्टेज पे थी, दूसरे लेवल पे थी, यानी कि वो सकदागामी थी। सकदागामी का मतलब ये है कि बस एक बार और वो बर्थ लेगी, यह हो सकता है कि बर्थ ना भी ले और वो वहीं से वहीं हमेशा के लिए वो जीवन मुक्त हो जाए और सुखी हो जाए और वो दुखों में ना पड़े। जबकि अनाथ पिंडक जो थे वो सोतापन्न थे, वो एक पद नीचे थे। तो भगवान बुद्ध ने बताया, चूंकि उसके राग और द्वेष, उसकी मोह मूर्ता लगभग क्षीण हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी,
इसलिए पिता वाला जो राग था, पिता वाला जो मोह था, पिता वाला जो प्यार था वो क्षीण हो चुका था, और धम्म वाला जो प्यार था, क्योंकि धम्म में तो सभी भाई बहन होते हैं, धम्म वाला प्यार, धम्म वाला जो लगाव, ये धम्म वाली जो जानकारी थी, जो धम्म को वो देख रही थी और धम्म को जो समानता से जान रही थी, उस आधार पर उसने बोला, क्योंकि आप उसके धम्म भाई हैं, आप सोतापन्न थे, वो सकदागामी थी, और धम्म भाई सब बराबर होते हैं, इसलिए उसने आपको जाते हुए जो धम्म देशना दी वो सकदागामी के नाते दी, एक पायदान ऊपर होने के नाते, और भाई ने कहा क्योंकि आप भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ गए हैं और उसके साथ ही आगे जाने आने वाले हैं। ये बात बहुत कमाल की है, क्योंकि एक रिश्ते में जब हम भाई बहन कहते हैं, क्योंकि बुद्ध जब बोधि प्राप्त करिए और बोधि प्राप्त करने के बाद में उन्होंने किसी भी साहित्य कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं आता कि कभी अपने पुराने रिलेशन में किसी को माता पिता या भाई भ्राता कुछ कहा हो। वो सब धम्म थे, धम्मिक लोग थे, धम्मिक भाई थे, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं। एज डिसाइड होती थी कि आप साधना में मेहनत कितनी करते हैं, बाकी रिश्ता सबका एक ही था। गाथा इस प्रकार है। ये गाथा 17 नंबर की जो गाथा है उसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट है, जैसा कि यमक वर्ग में होती है। इद नंदती पेच नंदती तत् पुयो उभयत नंदती पुयंग में कतंग ती नंदती भियो नंदती सुगतिंग गतो। इद नंदती पेच नंदती, नंद माने आनंदित होता है, यानी इधर भी आनंदित होता है और उधर भी आनंद होता है। कौन आनंदित होता है? जो अपने राग देश को छोड़ देता है। कतपुंयो उभयत नंदती, कतपुंयो का मतलब है करता है पुण्य काम, यानी जो बहुत अच्छे काम करता है। उभयत नंदती, दोनों तरफ आनंद में रहता है, एक तरह से आप कह सकते हैं नाचता है। नंदती का मतलब बाद में नाचना, नंद का मतलब नाचना हो गया, मगर नंद का मतलब आनंद से है, आनंद में रहता है। आनंद में रहता है कौन रहता है? जो पुण्य काम करता है दोनों तरफ, यानी मन से भी और शरीर से भी। पुय्यंग में कतंग ती नंती, यानी मेरे द्वारा जो किए हुए पुण्य काम है। पुय्यंग में कतंग, कतंग माने होता है किए हुए, पुय्यंग माने पुण्य, में माने मेरे, यानी मेरे द्वारा जो पुण्य काम किए गए हैं नंती, वो आनंद में रहते हैं, उनसे मैं आनंद में रहता हूँ। भियो नंदती सुगति गतो, भियो माने बार बार, लगातार, हर बार। नंदती आनंद में रहता हूँ। सुगति माने सुगतिंग, सुगतिंग माने सु माने अच्छा, गतिंग माने गति, उसकी जो गति है अच्छे कामों की बहुत अच्छी होती है और उसकी लगातार गति बहुत बढ़िया जाती है और वो हमेशा अच्छा रहता है। ये है गाथा नंबर 18। धन्यवाद।